बरेली में प्लाट पर कब्जे के लिए हुए गोलीकांड के आरोपियों के दो अवैध निर्माण पीडीए गिरा चुका है। अब राजीव राणा के सिटी स्टार होटल पर भी जल्द बुलडोजर चलेगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस होटल को पीडीए पहले ही सील कर चुका है। 22 जून को हुई फायरिंग के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर जारी है। शनिवार को भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल के भाई रमेश मिश्रा के लक्ष्य रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। 3 थानों की पुलिस और पीएससी के साथ पहुंची पीडीए की टीम ने सीलिंग के बाद वहां नोटिस चिपका दिया। बताया जा रहा है अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसका ध्वस्तीकरण भी हो सकता है। गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटल और दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय के अवैध बैंक्वेट हॉल पर जांच के बाद पीडीए ने बुलडोजर चला दिया था। इनके अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश 2 साल पहले हुए थे, लेकिन सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं हुई थी। अब गोलीकांड के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पीडीए ने पिछले दिनों राजीव राणा के सिटी स्टार होटल को सील किया था। यह होटल पूरी तरह से अवैध बना हुआ बताया जा रहा है। अब इसे ध्वस्त करने की तैयारी है। इससे पहले पीडीए राजीव राणा के होटल सिटी स्टार एवं रेस्टोरेंट और आदित्य उपाध्याय के सावरिया लॉन पर बुलडोजर चला चुका है। राणा का एक और होटल सिटी स्टार के नाम से दर्ज है, इसे पीडीए ने सील किया है, लेकिन इसे भी ध्वस्त करने की तैयारी है। राजीव राणा का घर, दफ्तर और सिटी स्टार होटल को अवैध बताते हुए पीडीए की टीम ने डहा दिया था। उसी दौरान राजीव राणा ने सरेंडर कर दिया था। अब राणा के 2 बेटे और 2 भाई ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को सभी को जेल भेज दिया गया। राजीव राणा गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने राजीव से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने बेटे और भाइयों की लोकेशन बता दी। पुलिस ने रात में ही दबिश देकर अलग अलग जगह से 4 परिजनों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें राणा के 2 भाई संजय नगर निवासी हरिओम और राधे श्याम, सुरेश शर्मा नगर निवासी राजीव के 2 बेटे आशीष और राजन शामिल हैं। पुलिस ने राजीव राणा के ड्राइवर जोगी नवादा गोसई गोटिया निवासी दिनेश को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जेल भेजे आरोपियों में अधिकांश के नाम मुकदमे में शामिल नहीं थे, इसलिए ये लोग बेखौफ होकर राजीव की मदद करते थे। अचानक राजीव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की है। हालांकि राजीव ने इनकार किया और उसके परिजन घटना में शामिल या मौके पर नहीं थे, पर पुलिस की जांच में सभी दोषी हैं। इनकी मौके पर मौजूदगी व घंटों तक बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। राजीव राणा के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 3 मामले पहले से दर्ज हैं, जबकि 2 मुकदमे इस घटनाक्रम के बाद लिखे गए हैं। इनमें एक पुलिस और दूसरा आदित्य गुट की आर से लिखा गया। राजीव के भाइयों बेटों व दिनेश के नाम इसी घटना के 2 मुकदमे शामिल किए गए हैं। राजीव का भाई संजय राणा गोलीकांड का नामजद आरोपी है, लेकिन अभी वो फरार चल रहा है। चर्चा है कि पुलिस को उसके बारे में अहम सुराग हाथ लगते ही जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। राजीव राणा के बारे में बताया जाता है कि उसके बेटे और भाई समेत पूरा कुनबा प्रॉपर्टी के काम में लगा हुआ था। ये लोग विवादित भूखंड औने पौने दाम में खरीद लेते थे और बाद में अच्छे दाम में बेच देते थे। राजीव के हाथ परिवार के लोग मकान बनाकर बेचने का काम भी करते हैं। प्रॉपर्टी के कारोबार से परिवार ने अच्छी खासी संपत्ति अर्जित कर ली थी। अब पुलिस के रडार पर परिवार की संपत्ति आ गई है। रजिस्ट्री दफ्तर और तहसील से राजीव के परिवार के नाम दर्ज संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस गैंगस्टर के तहत राजीव और उसके परिवार वालों के नाम वाली संपत्ति को जब्त करने में जुटी है। बरेली गैंगवार में अभी तक कुल 30 से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं। दूसरे पक्ष का आदित्य उपाध्याय व उसका बेटा अविरल पहले से ही जेल में है।